उद्घाटन से पहले ही तेलोडी के गादी में 12 लाख रुपए की राशि से बनी कृषि भवन में दरारें पड़ने लगी है। शुक्रवार को उस भवन का जायजा लिया गया। बताया गया कि तेलोडी पंचायत के गादी में रूर्बन मिशन के तहत बने कृषि सेंटर एवं फार्म सेंटर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने के कारण उद्घाटन होने से पहले ही दीवार एवं फर्श फटकर दरार पड़ने लगी है। आपको बता दें कि यह कृषि भवन 12,800 रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुकी है। हैरत की बात तो यह है कि इस बिल्डिंग का अब तक ना तो शिलान्यास किया गया और ना ही उद्घाटन किया गया। यह बिल्डिंग अभी से ही दम तोड़ने लगी है। इसकी जानकारी स्थानीय मुखिया सबीर आलम से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि संवेदक ने मनमाने तरीके से काम को लीपापोती कर भवन का निर्माण करा दिया है। इस भवन से संबंधित संवेदक या किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी मुखिया को नहीं दी गई है, ना ही यह भवन पंचायत मुखिया को हैंडओवर किया गया है। इधर ग्रामीणों ने कहा कि इस योजना की राशि का बंदरबाट कर खोखला व कमजोर भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन की जांच कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर उसी स्थान में 12,800 रुपए की राशि से कृषि फार्म के तहत मुर्गी पालन सेट, बत्तख पालन सेट एवं कुआ का भी निर्माण कराया जाना था, जो सिर्फ मुर्गी सेट का निर्माण कर संवेदक ने शायद कागज पर ही योजना की खाना पूर्ति कर दी, जिसके बाद अभी तक बत्तख पालन सेट एवं कुआ का निर्माण नहीं कराया गया है। पंचायत तेलोडी में दो योजना का हुआ था, जिसमें कृषि का ट्रेनिंग सेंटर और बत्तख का पालन का इसमें बनाया गया था फॉर्म। तो दोनों में अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, संवेदक से फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हैंडओवर कर चुके हैं, जबकि इसकी जानकारी एज ए मुखिया हमको नहीं मिला है हैंडओवर की। हम लोग तो सोच रहे थे कि निर्माण का कार्य चल ही रहा है, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल रहे थे। अभी जैसे सुबह पता चला, आके देख रहे हैं तो पूरा ज़मीन क्रैक कर गया है फर्श। इसे पता चलता है कि गुणवत्ता में जो है सो काफ़ी अनियमितता बरती गई है, और इसका हम वरीय पदाधिकारी से ये आग्रह करेंगे कि आकर के स्थल पर जांच करके जो है, अगर संवेदक ने जो अनियमितता की है उस पर जो है सो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और इसको सुधार करते हुए पुनः जो है सो निर्माण जो भी नुकसान हुआ है उसको निर्माण करके और पंचायत को हैंडओवर करने का काम करें। इसका शिलान्यास भी नहीं किया गया, ना ही उद्घाटन जी किया इसकी गया। ना इसी हमको तो अभी तक जो भी जानकारी था, जिससे की वजह से कि काम चल रहा था, तो अभी तक ना शिलान्यास किया गया है, ना ही किसी को हैंडओवर, पंचायत को चूँकि हैंडओवर करना था, इस पंचायत का जहाँ पे बना है वहाँ पे करना था, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। ठेकेदार ने अभी तक कार्य पूर्ण किया या नहीं किया इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इस दीपावली में खुशियां आपके द्वार। जी हां, शिवम होंडा में दोपहिया वाहन की खरीद पर पाएं बम्पर उपहार, साथ में 5,000 का कैशबैक, और इसके अलावा मात्र 449 रुपए में 3 सर्विसिंग और 2 वॉशिंग बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्पेयर पार्ट्स पर 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट। ये सारे लाभ BS4 या BS6 दोनों वाहनों पर दिया जा रहा है। इस दीपावली को बनाएं बहुत ही खास। जी हाँ, होंडा की एक नई स्कूटी बिल्कुल नए फीचर के साथ एक्टिवा प्रीमियम लॉन्च हुई है, जो 60 किलोमीटर के माइलेज देगी, यानी कि स्कूटी में सबसे ज्यादा माइलेज। होंडा की बाइक और स्कूटी खरीदें और पाएं ढेर सारे ऑफर और उपहार। पता नोट कर लें, रोटरी आई हॉस्पिटल के पीछे, नेताजी चौक, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक एस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह।